देखिए क्या करके चला आया है। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फडिन रियल व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से, अल्लाह के करम है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने कुछ पर्पल से प्रोडक्ट मंगवाए थे मेकअप के, तो थोड़े से हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग को दिखा दूँ, क्या पता आप लोग को अच्छे लगे। तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ से बाय करना। तो मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर बाय कर लेना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है बॉक्स। तो फटाफट से मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। कि नहीं मानोगे, मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता है। और पता नहीं अभी फ़िलहाल में मुझे मेकअप का भूसा सवार हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके मंगवाऊँ और खुद से ही मेकअप करूँ। क्या पता मैं अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन। प्लीज़ आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाना प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि कौन सामान कब यूज़ करना है और मतलब किसके किसे क्या बोलते सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं मैं जब भी मेकअप करती हूँ मुझसे अच्छे से मेकअप होता ही नहीं। क्या पता मैं धीरे धीरे सीख जाऊँ। पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है बनाना का लूज पाउडर इनसाइड का, और जो कि बहुत अच्छा है, छोटू सा है, आप लोग भी ज़रूर लेना इसे। और इसमें ज़्यादा तो नहीं है क्वांटिटी, 40 ग्राम इसमें प्रोडक्ट है और छोटू से है। इसका प्राइस है 195। जैसा मेरा स्किन का कलर है तो शायद बनाना लूज पाउडर ही मतलब सूट करेगा। ये येलो टाइप का आता है वो पाउडर इसलिए। और अगर आप लोग फेयर स्किन के हैं तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई कि आप पे कौन सा जाता है। मेरे पे तो यही वाला जाता है, इसलिए मैंने ये बाय किया है। तो ये लूज पाउडर बेसिकली बेस को सेट करने में काम आता है, तो इसलिए ये मैंने बाय किए हैं। आप लोग को भी अच्छा लगे तो ज़रूर बाय करना। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये है मेकअप फिक्सर स्प्रे, इनसाइड का ही है छोटू सा। मैंने सारे प्रोडक्ट छोटे छोटे से मंगाए हैं। क्या ज़्यादा मैं मेकअप करती नहीं हूँ, कहीं आती जाती भी तो उतना नहीं करती, बस शादी वगैरह में कर लेती हूँ, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्रोडक्ट मंगवाए हैं। आप लोग को भी ये क्यूट क्यूट से प्रोडक्ट अच्छे लगे तो ज़रूर बाय करना। और इसमें प्रोडक्ट है 75 ml, और इस पर प्राइस नहीं डाले हुए हैं, मैं लिंक डालूंगी उसमें, वहाँ से आप बाय करना। उस पर सारा मेंशन किया रहेगा क्या क्या है। मुझे इन सब के बारे में इतना नॉलेज नहीं है जो मैं अच्छे से आपको इन सब चीज़ों की रिव्यू दूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करें। मैंने मंगाया है इनसाइड का लॉन्ग वेयर फाउंडेशन और अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन, मतलब मेरी स्किन टोन पर मैच करते थे इसलिए मैंने मंगवाया है। इसके शेड है 04 वार्म न्यूड। तो आप लोग देख लेना आप लोगों को कौन सा सूट करेगा। तो आप लोग अगर आप लोग पे ये वाला शेड जाता है तो आप लोग ज़रूर बाय करें। इसमें जो प्रोडक्ट है वो है 20 ml, ज़्यादा बड़ा सा नहीं है, छोटू सा ही है। इसका जो प्राइस है 175। एंड मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाई है ये है क्रियॉन बेला वोस्टे के मैट लिप क्रियॉन, और ये बहुत अच्छे शेड है। मैंने एक ये वाले मैंने अप्लाई भी किए, आप लोग देख सकते हैं। एक के शेड है 12 वन द फ्लोर, और नेक्स्ट जो है शेड जो मैंने अप्लाई करे हैं वो है 10 ट्रूली मैडली डीपली। जो मैंने मंगवाया है ये है वाइट काजल इन YB का, स्मच प्रूफ है, ये मुझे 90 rupees में मिला है। नेक्स्ट जो है ये है इनसाइड की 2x कवर मास्टर कंसीलर, ये भी मेरे स्किन टोन पे मैच जा रहे थे, मैंने ये बाय से बाय की 110 rupees लो 3 गोल्डन सैंड। हे गाइस, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है ब्लू हेवन का मस्कड़ा, और मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये आज ही डिलीवरी आया है और ये मुझे रिसीव हुआ है 135 rupees में। तो पता नहीं, भी लगाऊंगी तो पता चलेगा कि कैसा है। लगता है कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ 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 बाय करें। मैं सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से बाय करें। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताएं क्या मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, इससे क्या होगा कि मुझे भी मेकअप करना अच्छे से आ जाएगा, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे पापड़ उठाने के लिए, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे पापड़ बने हैं, है ना? तो चलो चलते हैं छत पे पापड़ उठाने के लिए।
चलो चलो ना। नहीं जाओगे? अकेले रहोगे रूम में? ठीक हम जा रहे। तो हम दोनों आ गए हैं छत पे। ये है सूजी का पापड़ और ये रहा आलू का पापड़। अभी थोड़ा सूखना बाकी है तो कल इसे डाल देंगे। और थोड़े से आज बने थे दाल के बड़ी। हे फ्रेंड्स, तो सारे पापड़ तो उठ चुके हैं। अभी मैं गई छत पे कपड़ा लाने के लिए, तो कपड़ा लेके आ गई हूँ। तो जा रही फटाफट से तय लगाने के लिए, फिर मिलती है आपसे थोड़ी देर में। हे फ्रेंड्स, देखिए अदनान को क्या हो गया। अदनान क्या हो गया शना? बाबू मेरा क्या हो गया मेरे बच्चा को? बाबू आज ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। निन्नी कर लीजिए, तो निन्नी कर लीजिए, तो साफ कर देंगे। निन्नी कर लीजिए। ए फ्रेंड्स, तो मैं रूम में थी और अदनान गया था अपने बड़े दादा के पास। देखिए ये क्या करके चला आया है, और ये साफ भी करने नहीं दे रहा है। क्या हो बेटा? साफ करा लीजिए ना। अच्छा बेटा, साफ करा लीजिए ना अदनान। अच्छा चलिए, निन्नी कर लीजिए, निन्नी कर लीजिए, जल्दी से फिर साफ कर देंगे। जल्दी से निन्नी कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। स्ट्रॉन्ग बॉय है, स्ट्रॉन्ग बॉय है ना? मिला स्ट्रॉन्ग बॉय है ना? मिला अदनान, मिला स्ट्रॉन्ग बॉय है। कुछ नहीं होता इसे, थोड़ा थोड़ा तो होते रहता है। ये फ्रेंड, ये बिल्कुल गोदी से नहीं उतर रहा, पता नहीं क्या करे। बताओ अदनान, निन्नी कर लो ना बेटा। अच्छा बेटा। मैंने सोचा इसे थोड़ा सा तेल डाल दूँ सर में तो इसे अच्छा लगेगा। तो देखिए फिर, बहुत ज़्यादा बच्चा मेरा परेशान हो चुका है। हे फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अदनान ठीक है। थोड़ी सी सूजन है, वो तो रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहा है, कच्चा बादाम। छोटे बच्चे थोड़े से होते ही है बदमाश, पता नहीं। और लड़का जो हो वो तो और बदमाशी होता है, बहुत ज़्यादा बदमाश होता है। तो कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चोट लगती रहती है। गाइस, तो अदनान सो चुका है। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा था, सो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतनी सी तकलीफ हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए वो सो चुका है। काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गया है और कुछ भी लगाने भी नहीं दे रहा था होंठ पे। फिर भी किसी तरह मैंने वहाँ पे शहद लगा दिया था, तो काफ़ी उसे मतलब लहर रहा था, इसलिए वो बहुत बहुत ज़्यादा ही रोने लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी सो चुका है, तो कोई बात नहीं। इतना तो छोटा छोटा होते ही रहता है, बच्चा है, बदमाशी करेगा तो थोड़ा सा तो होगा ही। मैं पूरा उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन थोड़ा तो वो कहते हैं ना गाइस, इंसान की ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम, वैसा ही वाला मेरे साथ आज हुआ है। मतलब पहले तो गम आया क्योंकि अदनान को इतना मतलब डेंजर चोट लग गया, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रोया। और दूसरे ही पर शाम में ही मेरे हस्बैंड आए, तो एक खुशी हुई ये सुन करके कि अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड का मतलब मेरे हस्बैंड प्रमोटर बने हैं एयरटेल कंपनी में, तो वो पेमेंट आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फर्स्ट पेमेंट है, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग सब लोग
मतलब एक होता है ना कि खुशी में आदमी मिठाई खाते हैं या मुंह मीठा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या पता है, मेरा दिल था कि मतलब कुछ नमकीन, तो हम लोगों ने समोसे मंगाए और खाए, बहुत टेस्टी थे, पनीर वाले समोसे थे। वैसे भी शाम से भी दिल कर रहा था कुछ अच्छा अच्छा खाने का, तो फाइनली कुछ खुशी आई और हम लोगों ने पनीर समोसा खाया, तो मज़ा आ गया। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम, ये वाला गाना एकदम परफेक्ट है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग ये वाला पसंद आता है तो मेरे ब्लॉग का लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखना। बाय बाय।